भारत ने 3 जनवरी 2023 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए पहले T20 मैच में श्रीलंका को कांटे के मुकाबले में 2 रन से मात दी। भारत की ओर से दिए गए 163 रन का पीछा करते हुए श्रीलंका 20 ओवर में 9 विकेट पर 160 रन ही बना सका। इस मैच से भारत की ओर से ओपनर शुभमन गिल और मीडियम पेसर शिवम मावी ने T20 इंटरनेशनल करियर का आगाज किया। गिल जहां इस मैच में बल्ले से नाकाम रहे, वहीं शिवम मावी ने 4 विकेट लेकर ड्रीम डेब्यू किया। शिवम ने अपने पहले ओवर की 5वीं गेंद पर प्रथम निशांका को बोल्ड कर अपना पहला इंटरनेशनल विकेट लिया। इस मैच में शिवम ने अपने दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर धनंजय डिसिल्वा को संजू सैमसन के हाथों कैच करा के चलता किया। शिवम मावी ने अपने तीसरे ओवर में खतरनाक दिख रहे वनिंदु हसारंगा को 21 रन के निजी स्कोर पर आउट किया। यूपी के नोएडा के रहने वाले 24 साल के शिवम ने फिर मैच के अपने चौथे ओवर में महेश तीक्ष्णा को आउट किया। शिवम ने 4 ओवर में 22 रन देकर 4 विकेट लिए। श्रीलंका की ओर से दसुन शनाका ने कप्तान की पारी खेलते हुए 27 गेंद पर 45 रन की पारी खेली। शनाका ने 3 छक्के और 3 चौके लगाए। शनाका को उमरान मलिक ने युजवेंद्र चहल से कैच कराया। इससे पहले श्रीलंका ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। शुरू में फैसला श्रीलंका के पक्ष में भी जाता दिखाई दिया, जब 14.1 ओवर में भारत की आधी टीम पवेलियन लौट आई। टॉप बैटर्स में डेब्यू करने वाले शुभमन गिल 7, सूर्य कुमार यादव 7 और संजू सैमसन 5 रन बनाकर ही चलते बने। ओपनर विकेट कीपर ईशान किशन ने 29 गेंद पर 37 रन और कप्तान हार्दिक पांड्या ने 27 गेंद पर 29 रन का योगदान दिया। भारत का 5वां विकेट गिरने पर दीपक हुड्डा और ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने मोर्चा संभाला। दोनों ने 20 ओवर की समाप्ति तक भारत का स्कोर 5 विकेट पर 162 रन तक पहुंचाया। दीपक हुड्डा ने 23 गेंद पर 41 नाबाद रन बनाए, जिसमें 4 छक्के और 1 चौका था। अक्षर पटेल 20 गेंद पर 31 रन बनाकर नॉट आउट रहे। अक्षर ने 1 छक्का और 3 चौके लगाए। श्रीलंका की टीम 1982 से भारत के दौरे पर आ रही है, लेकिन उसे एक बार भी क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में भारत की सरजमी पर जीत नहीं मिल सकी। जहां तक टेस्ट क्रिकेट का सवाल है, श्रीलंका ने भारत के खिलाफ भारत में 22 टेस्ट खेले हैं, इनमें 13 बार उसे हार मिली है और 9 टेस्ट ड्रॉ रहे। ओडीआई में श्रीलंका ने भारत में 10 सीरीज खेली और 9 में उसे हार मिली और 1 सीरीज ड्रॉ रही। श्रीलंका ने भारत में 51 ओडीआई मैच खेले हैं, जिसमें उसे 12 में ही जीत मिल सकी है। टी20 में श्रीलंका ने भारत में 5 सीरीज खेली और 4 में उसे हार का बूत देखना पड़ा। श्रीलंका ने भारत में 3 जनवरी 2023 से पहले तक 15 टी20 मैच खेले थे और 2 में ही जीत मिल सकी थी। 3 से 15 जनवरी तक श्रीलंका ने भारत में 3 टी20 इंटरनेशनल और 3 ओडीआई मैच खेले हैं। देश दावा के लिए खुशदीप सैगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।